नमस्कार, आप देख रहे हैं रिजियाना न्यूज में शेखर उपल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। ओझा मैथिल समाज की वार्षिक बैठक का आयोजन ओझा धर्मशाला में किया गया। इस बैठक में समाज के सामने समिति का वार्षिक लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया, साथ ही नई समिति के सदस्यों को यहाँ शपथ भी दिलाई गई। इस मौके पर सभी समाजजन उपस्थित रहे। महिला वर्ग सभी आज यहाँ पर उपस्थित है और आपकी इस गरिमामय उपस्थिति में ये शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। शपथ ग्रहण समारोह करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कोई जरूरी नहीं है कि शपथ ग्रहण समारोह किया जाए, लेकिन आपको जो प्रतिनिधित्व इस तरह से शपथ हमारे बुजुर्गगण दिलाएंगे, मुझे बोलने के लिए कहा गया है कि आज इस मौके पर दो शब्द बोलना है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि गुना में एक धर्मशाला मुझे देखने को मिली। पहली बार मैं गुना आया हूं, बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे बुजुर्गों ने बहुत ही कड़ी मेहनत करके सन 1998 में जिस चीज की शुरुआत करी, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि हमारा युवा वर्ग आपका जो सपना है, आपका जो भरोसा है और आपका जो विश्वास है उसको आगे लेकर जाएगा। 1997 में जो शुरुआत हुई, 1998 में इसका गठन हुआ, सूत्रधार बाबूजी आपको सादर प्रणाम। मंच पर हमारे वरिष्ठ जन समाज सेवी जिन्होंने गुना में एक आधारशिला रखी और जो आज हमें एक धर्मशाला के रूप में दिखाई दे रही है, इस न्यू के पत्थर, एक मजबूत न्यू हमारे बीच में यह मंच पर विराजमान है। महान हस्तियां हमारे बीच में मौजूद हैं। आदरणीय नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय पुरुषोत्तम जी, मातृशक्ति पूर्व अध्यक्ष महोदय और सम्मानित सभी हमारे पार्षद महोदय रामबली जी, बनबारी लाल जी, हमारे समिति के कुछ जो कार्यक्रम बने हैं उनको निर्वाचन अधिकारी हमारे बीच में रखेंगे। उससे पूर्व मैं क्षमा प्रार्थी हूँ हमारे बहुत सारे साथियों से। मेरे अंदर ज्ञान का अभाव है, बहुत सारी जानकारियाँ मुझे नहीं होती हैं, तो वो पूरी जानकारी में देने में अपने आप को असमर्थ महसूस करता हूँ। लेकिन यहाँ पर बैठे हुए प्रत्येक साथी वाकई में अपने ये चार पार्षद हमारे बीच में हमारे समाज के उपस्थित हैं और योग्य हैं और लगातार काम कर रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों में भी उनकी उपस्थिति लगातार करती रहती है। अब मैं ज्यादा विलंब ना करते हुए आदरणीय संतोष ओझा जी से आग्रह करूंगा कि वो आप मंच संभालें और आगे की कार्रवाई आगे बढ़ाएं। परम आदरणीय संतोष ओझा जी, प्रख्यात धर्मगुरु एवं भागवत कथावाचक श्री अरविंद जी महाराज ने डीजियाना से की खास बातचीत, जिसमें उन्होंने कहा कि धर्म तो हर जगह होता ही है। वहीं उन्होंने कुछ संतों के कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने पर कहा कि संतों का स्थान मंत्रियों से काफी ऊपर होता है, इसलिए कैबिनेट मंत्री का दर्जा देना न्यायोचित नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि देश में धर्म की जीत के लिए सब कुछ जायज है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग कथा करवाते हैं और सुनते हैं उन्हें अपने घर में माता एवं पिता की सेवा करना चाहिए, अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उसका कथा सुनना व्यर्थ है। जिस तरह से आज धर्म का विस्तार हो रहा है, राजनीति का, यूँ कहेंगे राजनीति धर्म की जगह, उसके विषय में नहीं, धर्म अलग है और राजनीति अलग है, लेकिन क्योंकि आज के जो माहौल है उसमें बहुत अच्छी बात यह है कि राजनीति धर्म के जुड़कर चल रही है और राजनीति में कहीं ना कहीं धर्म का समावेश अब हुआ है। राजनीति कभी भी धर्म से अलग नहीं थी, लेकिन बीच में कुछ समय ऐसा आता है जिसमें थोड़ा सा माहौल अजीब सा रहा, लेकिन आज मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है। उसको कोई किसी रूप में भी देखता हो, पर मुझे लगता है कि आज धर्म का अगर हम संकुचित रूप कहने तो फिर नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम धर्म के विस्तार के अनुसार बात करते हैं तो निश्चित रूप से आज बहुत अच्छा माहौल है देश में। कुछ लोग कुछ भी कहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन सही मायने में आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक धर्म और राजनीति साथ साथ चल रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छा।
क्या इससे आपसी सामंजस्य बिगड़ेगा नहीं, माहौल खराब नहीं है? माहौल खराब करने की बात यह है कि माहौल खराब करने वाले जो तत्व हैं वो हर युग में, हर समय में और हर शासन में होते हैं। लेकिन होता क्या है कि अभी थोड़ा सा भी अगर हिंदुओं की बात सुन ली जाती है तो उसको लोग कहते थे कि ये माहौल खराब हो रहा है, ये विकृति है, इसी बात का कष्ट है। पर आज कुछ भी नहीं हो रहा है, सबके लिए समान हो रहा है। लेकिन हिंदुओं की थोड़ी सी बात सुन ली जा रही है, हिंदू समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा देखा जा रहा है और उसके विरुद्ध आवाज़ उठ रही है। इसलिए इसको दूसरा जो एक तबका है, एक दूसरा असामाजिक तत्वों का जो एक समूह है वो ये कह देता है कि आज देश में विकृति हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहाँ तक ये सही है कि कुछ संतों को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया जी, तो क्या ये सही? मुझे ये लगता है कि संतों को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया तो ये दर्जा तो बहुत पहले दे देना चाहिए था, अगर किसी बिना कारण के दिया है, और अगर ऐसे अचानक दिया है तो इसमें कुछ ना कुछ। लेकिन इसका एक बहुत अच्छा संदेश यह है कि मध्य प्रदेश के बहुत सारे महापुरुषों से मेरा परिचय नहीं है, पर एक मिनिस्टर उसमें ऐसे हैं संत जिनको मिनिस्टर का दर्जा दिया गया और उन्होंने बिल्कुल उसे अस्वीकार कर दिया, उन्होंने स्वीकार नहीं किया है और उन्होंने कह दिया कि, और मेरा भी ये मानना है कि जो संत है वो मिनिस्टर से बहुत ऊपर पहले से ही है, तो उसे इन सब चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपकी बात करें, अगर आपको मिलता तो आपका क्या? मैं तो मैं इस पात्रता नहीं है मुझ में, लेकिन हो सकता है मुझे मिलता तो तब मेरी वृत्ति इतनी अच्छी न रहती, तो इसलिए मैं आज से ये भी नहीं कह सकता कि मैं मिल तो मुझे मिले और मैं ठुकरा दूँ। मुझे उस समय की वृत्ति का पता नहीं है अपने बारे में। कुछ लोगों ने अपने धर्म को एक व्यवसाय बना लिया, व्यवसाय का रूप दे दिया, जैसे कुछ नाम गिनाना चाहूँगा, रामदेव बाबा ने उन्होंने पूरा व्यवसायीकरण कर दिया है, इसमें आप स्वामी जी अच्छा तो कर रहे हैं, ठीक है, वो किसी को दे रहे हैं तो और व्यवसायी दे रहे थे तो अच्छी चीज दे रहे हैं और लोग ले रहे हैं, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा उसको। कलयुग में आप कैसे धर्म को देखते? मेरा ये मानना है कि कलयुग में भगवान नाम का जितना गायन हो उतना होना चाहिए, जगह जगह संकीर्तन होना चाहिए, जगह जगह भगवान की कथाएं होनी चाहिए। समाज का एक बहुत बड़ा समूह कथा कीर्तन और सत्संग के नाम पर ही इकट्ठा होता है, और सब नहीं तो कुछ लोग तो उसे जीवन में धारण भी करते हैं और उनके जीवन में और उनके परिवार में एक नया संचार हो रहा है, ये मैं देख रहा हूँ पूरे देश में। हड़ताल पर बैठे मध्य प्रदेश ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, आपको बता दें कि ये हड़ताल 28 मई से लगातार चल रही है। आज हड़ताल कर रहे कर्मचारियों ने अर्धनग्न होकर हड़ताल की। मध्य प्रदेश ग्रामीण कृषि अधिकारी की अनिश्चितकालीन हड़ताल दिनांक 28 मई से लगातार जारी है, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। इस संबंध में आज हमारे द्वारा अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया गया है, अगर फिर भी मांगे नहीं मानी जाती हैं इससे आगे भी उग्र प्रदर्शन कर सकते हैं, जिसके लिए चाहे हमें सड़कों पर आना पड़े, ज्ञापन देना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े। और आज हमने सरकार को याद दिलाने के लिए माला का जाप किया गया है, जिसको हम निरंतर जारी रखेंगे और मतलब प्रदेश के हित में काम करते रहेंगे भविष्य में। मंडी में हमालों ने किया काम बंद, किसानों का आरोप है कि मंडी में तुलाई के लिए उपज को लाया जा रहा है, धर्म कांटे पर तुलवाने पर कुछ और बताती है, वहीं मंडी में तुलवाई करने पर उसको और कुछ और बताया जाता है, वहीं उपज में एक ट्रक पर 2 क्विंटल का फर्क भी आ रहा है। आपको बता दें कि अनाज को वेयरहाउस में रखने से पहले धर्म कांटे पर तुलवाना पड़ता है, जब उन्होंने दूसरे धर्म कांटे पर तुलवाया
तो अनाज सही निकला। मजदूरों का कहना है कि अगर उन्हें दूसरे धर्म कांटे पर तुलाई करवाते हैं तो 2 क्विंटल के पैसे उन्हें अपनी जेब से भुगतने पड़ेंगे। इसके बाद हम वालों ने अपना काम बंद कर दिया। आनन फानन में अधिकारी मौके पर पहुंचे, वहीं तुलाई के कार्य को शुरू करवाया गया। वहीं अधिकारियों ने नापतोल विभाग को निर्देश दिए हैं कि धर्म कांटों की जल्द से जल्द जांच कराई जाए। यह बड़ा सवाल यह है कि यदि धर्म कांटे की वजह से ही किसानों के साथ लूट हो रही तो इस लूट को अंकुश क्यों नहीं लगाया जाता, क्यों प्रशासनिक अधिकारी कोई भी ठोस कदम नहीं उठाते। आपको बता दें कि कुछ समय पूर्व एक किसान ने भी आपत्ति दर्ज कराई थी कि तुलाई में हो रहा है घोटाला। वहीं उसने इस बात को साबित करने के लिए अपने घर से बाट भी लेके आया था, लेकिन उसके बाद भी मंडी प्रशासन नहीं चेता। यदि उस समय ही देख लिया जाता तो किसानों से इतना बड़ा घोटाला नहीं हो पाता। तीनों के बताएंगे ना, तीनों फर्क का कांटे में कौन सा था जे बड़ी मंडी में करा थी, बड़ी मंडी वाला मंडी का जे करवाए अपन ने वहाँ पे साई पे। वजन कहाँ है इसका? जे वाला 34,380। नीचे फोटो इतने ऊपर पेड़ का जमा अब देखना जे वो जे रुचि का अपन ने वहाँ गाड़ी खाली हुई है, इसका वजन है ये 34,575। ये रियल वजन आया। क्या नाम है आपका? रामकृष्ण परियार। कौन से गांव के हैं? बता क्या है दिक्कत आपको? इसमें मंडी के कांटे से मंडी के कांटे पे वजन करवाया तो इसमें निकला है ये मंडी का 34,530 सामने दिख। इसके बाद में करवाया अपन ने उसका साई का तो उसमें आया 34,380। इसमें करवाया ना जब अपन ने खाली करवाने से मैंने करी साई वाले में खाली नहीं करवाएंगे तो उसमें आया है 34,575। जो रुचि में खाली हुई जो वजन वहाँ 2 क्विंटल का फर्क था, 2 क्विंटल का फर्क था और वो खाली करवाई है उनने गाड़ी 2 क्विंटल के फर्क जब रुचि के धर्म कांटा था तो पूरे कांटा करवा के ले जा रहा। हम 3-3 धर्म कांटे करवा रहे हैं, वो 100 रुपए अलग ले रहे हैं कांटा करने के वहाँ पे साई पे। जबकि उसके बाद उनसे कह रहे हैं ना तो वो कह रहे हैं ऐसा ही है वो इसी कांटे से हम लेंगे और रात में कहा तो गाली बकने लगा वो। अरे साई वेयर हाउस पे है। हाँ साई वेयर हाउस पे है 2 क्विंटल गाड़ी पे वो पाटे पे जो बीला बावड़ी पे। हाँ बीला बावड़ी पे भगवान ही जानते हैं पूरे कांटे कैसे हैं कैसे नहीं है बताओ। 15 दिन से जा रहा है तो जब से भागा है ना वहाँ से गड्डी आने लगी वहाँ पे। तो ये बताइए अभी आपने जो कांटे इसके लिए बंद किए थे तो अभी अधिकारी कौन कौन आए हुए हैं? डीआर साहब आए हुए हैं, तहसीलदार साहब आए हैं, सरदार साहब आए हुए उनका क्या है कि हमारे लोग तौल करते हैं तो जो ये तौल करते हैं तो इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। 50 किलो का बैग है तो 50 किलो का होना चाहिए, अगर उससे कम का हुआ तो पेमेंट कम मिलेगा, किसानों को पैसे देने में दिक्कत होगी तो उनकी भी जिम्मेदारी है। तो क्या हुआ था कि वहाँ गए थे साई बेयर हाउस में कुछ गया कोई ट्रक गया तो वहाँ पे ये पता चला कि 2.5 क्विंटल कम मिला उस किसी और धर्म कांटे से ये लोग तुलवा लिए ट्रक को। तो उस पर इन लोगों ने ये कहा कि भाई इसका कम ये कर रहा है जबकि 2.5 क्विंटल ज़्यादा होना चाहिए तो उतना शार्टेज हो रहा था, उसकी भरपाई कौन करेगा। इस पर पंचनामा बनवा लिया गया था कल और ये फूड ऑफिस के अधिकारी उस पर गए थे, अभी नापतौल वालों से इसकी सब कांटों की जांच करवा लेते हैं, बनवाया जाएगा उस हिसाब से अपन उसका एडजस्ट करेंगे, वो वेयर हाउस वाला एडजस्ट करेगा, उसको निर्देश दिया जाएगा। वो ये है इनकी समस्या मुख्य रूप से थी। सर आज अगर इनने आपकी बातें नहीं मानी तो फिर आज हाँ मानेंगे नहीं ये बात मानेंगे तो हम कहीं और से हम माल बुला के तुलवा लेंगे, नहीं कल तुलवा लेंगे, डेट बढ़वा लेंगे, उसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं है। डेट बढ़ जाएगी आप? बिल्कुल बढ़ जाएंगे। हाँ जो ट्रालियाँ भी हैं उनको तो तुलवा लेंगे। हाँ 100-150 तुल जाएगी।
में हम्माल एवं तुलाई करने वालों के बीच तुलाई को लेकर हुआ मुवाद बात इतनी बड़ी कि हाथापाई की नौबत तक आ गई, जिसमें एक युवक को गंभीर चोटें आई। आपको बता दें कि मंडी में तौल को लेकर हुए झगड़े को कुछ लोग सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस की सक्रियता के चलते ऐसा नहीं हो सका। वही पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से मामला दर्ज कर लिया है। क्या नाम है तुम्हारा? राजेश गोस्वामी। मैं ये मंडी में ही काम करता हूँ। मंडी में ही काम करता हूँ। तुलावटी का? तुलावटी नहीं, माली करता हूँ। गंडेलगंज की जगह आदमी काम करते हैं, न चोर के बट्टे हैं और दिन मारते हैं। क्या मारा है? क्या मारा? लट मारा और एक तलवार दी जी हाथ में। मधुसूदनगढ़ से सुठालिया रोड पर एक तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक और मोटरसाइकिल के बीच में भिड़ंत हो गई। मोटरसाइकिल सवार दो लोग थे, जिसमें से एक की मौत मौके पर ही हो गई। वहीं एक घायल को 108 की मदद से मधुसूदनगढ़ स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मधुसूदनगढ़ से हमारे सहयोगी टोनी शाह की रिपोर्ट। जिला चिकित्सालय में आज हुआ निरीक्षण। निरीक्षण करने आए कायाकल्प के अधिकारी। बता दें कि प्रत्येक वर्ष कायाकल्प के अधिकारी जिला चिकित्सालय में निरीक्षण करने के लिए आते हैं। इस निरीक्षण के दौरान जिला चिकित्सालय में कोई भी कमी पाई जाती है तो उसको दूर करने के दिशा निर्देश दिए जाते हैं। इसी कड़ी में आज जिला चिकित्सालय एवं CMHO कार्यालय का निरीक्षण भी किया गया, साथ ही कमियों को निर्देशित भी किया गया। ये पूरी शिकायत लेके इनके समग्र आईडी लेके उसमें सुनो कि कहीं ये उसमें तो नहीं है। उधर मैंने उससे बात कर लिया था, शिकायत किस चीज की कर रहे हैं? ये अपने यहाँ कई तरह की शिकायतें आते हैं। दबंगों ने अपनी मनमानी कर गरीब दुकानदारों पर ढाया कहर। पाटे स्थित रोड के किनारे लगी दुकानों पर दबंगों ने इस कदर कहर ढाया कि उनकी दुकानें तक तोड़ दी, साथ ही उनकी दुकानों में रखा सामान भी रोड पर फेंक दिया। इनमें से कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो दिन भर कमा कर अपना घर चलाते हैं। वहीं दुकानदारों का आरोप है कि कई समय से दबंग उनके दुकानदारों को परेशान कर रहे हैं। आज हद तब बढ़ गई जब दुकान तोड़ने के लिए वह दबंग कुछ गुंडों को लेकर आया। वहीं दुकानें तो तोड़ी ही, साथ में मारपीट भी की गई। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था, लेकिन इसके बाद किसी कारणवश समझौता हो गया। समझौता होने के कारण अज्ञात है। ये दुकान आपकी है? हाँ। क्या क्या हुआ था यहाँ पे? क्या हुआ था? यहाँ पे आनंद जैन गुंडे को लेके आया था। हाँ। और उसके साथ रंगराज और 10-12 जने और थे। तोड़ फोड़ की सरकारी जे फुलान में की जगह पे किराया मांगता है, उसको 6-7 महीने से किराए भी दे रहे हैं हम। फिर आए गुंडों को लेके आया, वो धमकी देता है, मारपीट की। आपका कितने का नुकसान हुआ? ये नुकसान हो गया, बन्नी बन्नी सटर मटर सब फोड़ गए। आपकी भी है पास में यहाँ पे दुकान? हाँ, सारी दुकान है। क्या हुआ, क्या हुआ था यहाँ पे? आज वो ही लेके आया था जेंट 10-12 गुंडों, ये सब तो थोड़ा एडजस्ट हो गया। अच्छा, तू तो फूटे पड़े मेरे भी धक्का मक्का दी पड़ी नहीं मेरे में। शहर के एक युवा फोटोग्राफर ने लगाई वर्कशॉप। इस वर्कशॉप के माध्यम से नई पीढ़ी को उसने कैमरा ऑपरेटिंग के नए गुण सिखाए। बता दें ये वर्कशॉप एक निजी गार्डन में लगाई गई थी, जहां पहले तो सभी ने खूब मौज मस्ती करी, उसके बाद उन्हें सिखाया गया कि किस तरह से कैमरे का उपयोग किया जाता है, और साथ ही ये भी बताया गया किस तरह कैमरे की उपयोगिता एवं जानकारी के बाद वे अपनी जीविका चला सकते हैं। ये
स्टॉल है और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वो, तो हमारा भी मन हुआ कि उनको हम इस वर्कशॉप में इन्वॉल्व करें और उनकी स्टॉल को फोटोग्राफर के सामने तक सामने लाएं, जिससे उनका भी मन दिखे और बढ़े। ये हम लोगों ने फोटोग्राफी वर्कशॉप का आयोजन किया है मालपुर वाटर पार्क पे। यहाँ पे सभी गुना के छोटे बड़े फोटोग्राफरों ने बढ़ करके हिस्सा लिया, जिसमें हम इन लोगों को बेसिक फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, कैंडिड फोटोग्राफी और बॉडी लैंग्वेज और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इसके बारे में बताएंगे। और जैसा कि अभी चल रहा है कि नए युग में नई तरह की फ़ोटोग्राफी, नई तकनीक, नई कैमरे, नई एसेसरीज से काम होता है, तो जो बेचारे सक्षम नहीं हैं इन चीज़ों को परचेज़ करने में या ख़रीदने में, तो उनके लिए हम पहले उनकी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कभी भविष्य में उसको ख़रीदें तो इजीली वो चला पाए। ठीक है, और क्या सिखाया आपने इसमें? इसमें एक वैसे तो फोटोग्राफी वर्कशॉप और पूल पार्टी का एक आयोजन था। आपने वो तरीका सिखाया कि अपन शादियों में जाते हैं तो कस्टमर से किस लहजे में बात की जाती है। हाँ, जैसे एक कैंडिडेट फोटोग्राफी जो होती है वो एक प्रकार का कस्टमर टू फोटोग्राफर का बिल्कुल हार्डली कनेक्शन होता है। अगर वो कनेक्शन हार्डली नहीं होगा तो फोटोग्राफर अपना आउटपुट नहीं दे सकता। इस मोटिव पे हमने इन बच्चों को सबको बताया कि आप कैसे कस्टमर से घुल मिल सकते हो, कैसे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन दे सकते हो, कैसे अपने फोटोग्राफी का आउटपुट जो उन्हें अच्छा लगे और पसंद आए, जो आप कैंडिडेट मीनिंग होता है अवेलेबल लाइट पे नेचुरल फोटोग्राफी को कैप्चर करना। डीजे आने में आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।